आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान रखें दोस्तों। और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तीन स्टॉक, सबसे पहला स्टॉक समझिए आपके सामने जो है वो भारतीय एयरटेल का है। तो रीजन पहले समझेंगे हम लोग कि भारतीय एयरटेल को क्यों सेलेक्ट किया है ना, ऐसा क्या खास है। तब भारतीय एयरटेल का आप ये 15 मिनट का चार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर बताइएगा। 15 मिनट का चार्ट पे देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, फिर एक अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। फिर नीचे जब आता है इस तरह से आप देखिए, जब ये नीचे आया तो यही जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे सपोर्ट बना लिया और ये सपोर्ट से वापस ऊपर गया। तो यहाँ पर जो फिर यहाँ जो ये गिरा तो ये रेजिस्टेंस बना, तो सेम उसी तरह से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये गिर गया और ये जो सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे चलाया, वापस से ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया। सब पहले रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस में फंस गया। फंसने के बाद ये देखिए, अब ये इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जाके सस्टेन किया और सस्टेन किया तो यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पे भी आके वैलिड हो गया और वापस से वैलिड करके इसको नीचे की ओर फेंक रहा है। तो जो ये रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर अब ये सपोर्ट बनने का चांस बनेगा, इसका मतलब इसका रेंज बहुत छोटा हो गया। इसी एरिया में ये फंस गया, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, इस दो एरिया में से किसी एक एरिया की तरफ अगर भागता है तो आपका ट्रेड बनेगा। तो अगर ये 868 के ऊपर निकलता है तो बाय के लिए बाय वो 868, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 862 का होगा और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 874 रुपये 874, दूसरा 880 880 और तीसरा 886 886 रुपये का। अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, तो सेलिंग का लेवल मैं आपको लिखता हूँ, 860 के नीचे करेंगे सेल बिलो 860, जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 866 866 रुपये का और जो पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में आपके लिए वो होगा 854 854 रुपये का फर्स्ट टारगेट, दूसरा 848 848 का, तीसरा 842 842 रुपये का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करते हैं। तो ये पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा और सेकेंड स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। चलिए मैं अंबुजा के चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ और अंबुजा सीमेंट देखिए, ये भी 15 मिनट के चार्ट पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पर क्या देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस पहले था, फिर सपोर्ट बना, अब ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट है, फिर ये आके रेजिस्टेंस बन गया, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, वापस से रेजिस्टेंस क्लेम कर रहा है, इस तरह यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट। तो आप इस एरिया पे भी अगर आप देखते तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आपको आ सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहें तो 436 के ऊपर आपकी बाइंग करें, बाय बनेगा बाय 436, जो स्टॉप लॉस होगा वो 433 रुपये 433 का होगा और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 439 439, दूसरा 442 442 और तीसरा 445 445 का। इन केस अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे दोस्तों, तो सेल का लेवल होगा 431 के नीचे, सेल बिलो 431, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 434 434 रुपये का होगा और जो टारगेट होगा नीचे 428 428 का पहला टारगेट, दूसरा 425 425 का और तीसरा 422 422 रुपये का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉक लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक अंबुजा सीमेंट। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ जिसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके भी चार्ट को समझते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे इसने एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। क्या बना रखा है? एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है 15 मिनट के चार्ट पे, बियरिश फ्लैग। तो बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपका ट्रेड बनेगा, तो आप खरीदेंगे SBI को अगर ये ऊपर 572 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय 572, जो स्टॉप लॉस होगा वो 568 का होगा, 568 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 576 576, दूसरा 580 580 और तीसरा 584 584 का। इन केस अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, यहाँ से अगर ये गिर जाता है तो हम लोग सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे, तो सेल का जो लेवल हुआ, सेल बिलो 567 567 के नीचे बेचना है,
जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 571 571 रुपए का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे 563 563 559 559 559 का, और तीसरा होगा 555 555 का। तो ये तीन स्टॉक है दोस्तों सोमवार मंडे 4 सितंबर 2023 के लिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।